सो ऑलराइट गाइस, वेलकम टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ होम टू वर्क स्टेशन। रोड का अपडेट जो है, थोड़ा कार्य वगैरह चल ही रहा है, अभी भी 5-7 दिन जो है लगने ही वाला है रोड को बनने में। सो दिस इज़ द 20th of January 2020, सोमवार है, 5:03 PM हो रहा है एंड द टेम्परेचर इज़ 32 degrees Celsius। इट्स क्या बोल सकते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम अपने टेम्परेचर को, यही बोल सकते हैं कि ये जो है थोड़ा प्रदूषित एज यूजल। सो ऐसा भी एक बंदे जो हैं जॉय नाम के, ही वॉन्ट टू बाय अ स्ट्रिंग, ही इज़ ऑलरेडी इन द क्लास। सीमा जी ऑलरेडी हैं, पहले मुझे लगा था कि उनको जो है पूरा स्ट्रिंग सेट खरीदना है, बट ही डोंट वॉन्ट टू बाय द स्ट्रिंग सेट पूरा, ही जस्ट वॉन्ट टू गेट अ स्ट्रिंग। मैंने पहले बोला कि सीमा जी को कि आप दे दीजिए और उनसे कैश कलेक्ट कर लीजिए, लेकिन नो, ही वॉन्ट वन सिंगल स्ट्रिंग इन दैट, सो दैट्स वाई। हालांकि ऐसे भी मुझे पहुंचना ही था सीमा जी, एक्चुअली 40-50 मिनट जो है सीमा जी लेट हो गई, 4 बजे का उनको हमने समय दिया है, लेकिन कोई बात नहीं है कल से। एनी हाउ आई टू हैव टू डिसाइड, यू नो, कि देवो के देव महादेव का एक दो एपिसोड देख के निकल लेना है, एडिट वगैरह सब जो है घर में नहीं, अपना क्या कम से कम लंच करके निकलना होता, क्योंकि खाना खाने के लिए वापस घर आना और ऐसा जाना में वो थोड़ा जो है एक अजीबोगरीब चीज़ हो जाता है। बट आज पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि हम कुछ भूल गए, कुछ भूले नहीं हैं एक्चुअली। आज जो है ये अपना नहीं लगा पहने स्टॉल जो है वो स्टॉल स्टूल अरे वॉट एवर इट इज़ यार, वाई द हेल आई ऑलवेज यू नो दौड़ हमेशा स्टॉल स्टूल में जो है हम कन्फ्यूज़ होते हैं। स्टॉल और स्टूल जो है वो हमने मतलब बैग में रखा, आज पहना नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली 30-32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, मतलब गर्मी जो है वो बढ़ चुकी है, मतलब कंपैरेटिवली फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज। एंड यस, आज से जो है देवो का देव महादेव जो है वो देखना शुरू हो गया। कल रात में जो है हमने महाभारत भोलेनाथ के कृपा से और कृष्ण भगवान के कृपा से महाभारत कंप्लीट हो गया, आज से देवों के देव महादेव जो है वो देखना शुरू हो चुका है। एंड यस, रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ गोइंग सुपर। एंड यस, टुडे मेड द फाइनल पेमेंट ऑफ द होम वेयर आई एम शिफ्टिंग, द न्यू होम वेयर आई एम शिफ्टिंग, रोमेल एथर ऑन द 25th floor 2504। यस, यू गाइज कैन डेफिनेटली कम एंड मीट मी इफ यू वॉन्ट टू। ऐसे हालांकि एंटर करने से पहले ऑब्वियसली यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम ऐसा है कि आपको यू नो पूछना पड़ेगा, पूछताछ होती है, बट या यू कैन डेफिनेटली प्लीज़ कम, आई विल एनी हाउ मीट एवरीवन। और अगर ये व्लॉग अगर आप 2027 में देख रहे हैं, और अगर मैं कहीं बांद्रा या नरीमन पॉइंट तरफ शिफ्ट हो गया, और अगर आपको हमारा एड्रेस नहीं मालूम है, तो आप हमें प्लीज़ एक मेल कर दें, या फिर जो है कमेंट में आप ज़रूर लिखें, यू नो, कि आई रियली वॉन्ट टू मीट यू, सो डेफिनेटली वील मीट, वाई नॉट। एंड ऐसे भी हमें आगे बढ़ना है, लोगों को पीछे छोड़ के नहीं, लोगों के साथ आगे बढ़ना है, एक साथ ग्रो करना है, एक साथ यू नो तरक्की करना है, एक साथ जीना है, क्योंकि जब एक ही हवा हम सब लोग सांस ले रहे हैं, जब एक ही धरती पे सब रह रहे हैं, तो भेदभाव क्यों करना है, राइट गाइज। So yes, this is what the core of dharm and adharm is. When you are being selfish, that is adharm, and when you are working for everyone, that is dharm. So yo, what I am seeing, ek ajeebo gareeb bus, oh my god, Goregaon station pur best, are what is this, this is nice, Mumbai mein naye tarike ka A4 chalu ho gaya, BST, ए बाबा बाबा बाबा, ये तो हमें नया चीज़ दिखा, मुंबई इज़ वेलकमिंग समथिंग न्यू, नाइस। एंड बाय द वे, साइकिल से याद आया, आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू बाय अ साइकिल। हालांकि हमारे बिल्डिंग में पार्क ये वो सब कुछ है, स्विमिंग पूल, जिम, एवरी एमिनिटीज़ आर देयर, बट स्टिल आई एम प्लानिंग कि मैं अभी जिस पार्क में जॉगिंग करने के लिए जाता हूँ, जिस पार्क में जाता हूँ, अगर आपको देखना है तो प्लीज़ गो टू माई व्लॉग चैनल एंड वॉच इट। मैं क्या करूँगा ना कि साइकिल लेके उसी पार्क में आया करूँगा, तो मेरा साइकिलिंग भी हो जाएगा डेली के एड ऑन में चीज़, और
ऑब्वियसली जैसा वो पार्क है उस तरीके का शायद पार्क नहीं है, है क्योंकि वो तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का एरिया एंड काफ़ी मतलब यू नो आई थिंक 25-30 साल पुराने तो पेड़ हैं ही आराम से, और बहुत इट्स लाइक यू नो टर्न्स एंड टर्न्स ऑफ ग्रीनरी। एंड यस होम टू वर्क स्टेशन, इस तरीके से हम पहुंच गए। नमस्कार सर, उधर से कुछ तो गिरता है सर, ऊपर से नीचे अभी क्या है ना सर, ये गाड़ी इतना भारी है ना, ऐसे नहीं घुस जाता और निकल जाता है, तो इसके लिए थोड़ा तकलीफ होता है सर। यहाँ पे लगा दीजिए, आइए ना आप लगा के देखिए कौन लगा रहे हैं। नहीं 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 ट्राई कीजिए सर, आपको क्या लगता है मैं शौक से यहाँ पे रख रहा हूँ सर, ये हिलता नहीं है, घुमाने में इतना तकलीफ होता है। आगे करूँ ये यहाँ पे इसलिए लगाता हूँ क्योंकि घुमाते वक्त मैं उधर ले जाता हूँ, वहाँ इस पे चढ़ता है फिर ऑटोमेटिक बैक होता है, इसको हिलाना एक तकलीफ का कार्य है सर। हाँ चलेगा ना, मैं इधर रख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं इधर लगा लूंगा या कुछ कर लूंगा, चलेगा। सिर्फ घूमने में तकलीफ, और उधर भी मैं लगाया करता था अपना बुलेट वगैरह, कुछ तो चिड़िया झाड़ झुप्पम तो है, चिपके रहते हो। और इधर ऐसे बीच में क्योंकि इसका जगह भी थोड़ा ज्यादा लेता है, ये देखो इसके वजह से ये इतना फैला हुआ है। हाँ तो ठीक है सर, ठीक है। So this was like, yeah, obviously embarking the Harley, it can't be, you know, done like you can simply put it in just small space, because you need slightly larger space than the regular bikes. So that's why I keep my bike aside, not like in the regular line. So he was the secretary person, I was just having a word with him. So kaun se floor pe aa gaya sir, फोर्थ और फिफ्थ, और चला जाए। यो 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 यो, इट्स मी इन ब्लू।